जय दोस्तों, आप देख रहे हो सिंह ऑटो जोन का नए एपिसोड। आज भी दो अपडेट रहेंगे और दोनों ही टाटा मोटर्स से जुड़े हैं। पहले अपडेट में हम बात करेंगे जो टाटा मोटर्स यूके बेस्ड एक ईवी बैटरी मैन्युफैक्चर कंपनी को बाय करने जा रही है। वहीं सेकंड अपडेट में हम बात करेंगे नेक्सन इलेक्ट्रिक एसयूवी का फेसलिफ्ट आने वाला है, इसमें बड़ा बैटरी पैक मिलेगा, उसमें कुछ अपडेट निकल कर आए हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हो या वेट कर रहे हो अपकमिंग टाटा व्हीकल्स की, टाटा इलेक्ट्रिक कार्स की, तो बिल्कुल वीडियो आपके लिए ही बनी है, पूरी जरूर देखिएगा। और लगे ये वीडियो आपके मतलब की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अगर टाटा ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर कई कंपनीज है जो मिलकर ज्वाइंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डिवेलप कर रहे हैं। टाटा मोटर्स हम सब जानते हैं कि ओवरऑल पूरा बॉडी बिल्डिंग का काम उनका रहता है। उसके बाद टाटा केमिकल्स जो कि बैटरी ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और इनकी रिसाइकलिंग है वो काम देखती है। इसके अलावा टाटा कंपोनेंट जो कि इनकी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स कह सकते हैं, या जो कंपोनेंट्स है या जो चार्जर है वो बनाती है। टाटा पावर्स ओवरऑल जो चार्जिंग इंफ्रा है उसको डिवेलप करता है। तो ये सब मिलकर एक टाटा ग्रुप इस पूरी डिवेलपमेंट में मिलकर लगे हुए हैं। का पूरा इकोसिस्टम अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूँ तो टाटा ग्रुप के अंडर पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओवरऑल प्राइस की बात करूँ तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा इसीलिए है कि अभी जो मेन प्राइमरी जिसका कंपोनेंट है, पार्ट है, इलेक्ट्रिक जो बैटरी सेल है वो अभी इंपोर्ट हो रहे हैं। अगर उसको भारत में बनाया जाए या किसी ऐसी कंपनी को अक्वायर किया जाए जो इसमें महारत हासिल करती हो, तो उससे ओवरऑल जो प्राइस है इन सेल्स के कम होंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अफोर्डेबल हो पाएंगे। इसी बात को समझते हुए एक बहुत बड़ा कदम यहाँ टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप उठाने जा रहा है। केमिकल जो ब्रिटिश ईवी बैटरी मेकर है जॉनसन मैथे के साथ तकरीबन 5,000 करोड़ की डील करने जा रहा है। तो उनका जो ओवरऑल प्लांट है, जो इसके अलावा जो उनकी महारत है मटेरियल में, जो ईवी बैटरी मटेरियल है उसमें जो महारत है उसको बाय करेगा। इसी बात है यहाँ पर ओवरऑल जो इन सेल्स की प्राइस है वो डाउन आएगा। पर उसके लिए इसलिए भी जरूरी है खुद की मैन्युफैक्चरिंग करना इन बैटरी पैक की, बैटरी सेल्स की, क्योंकि बहुत बड़ी प्लानिंग है टाटा मोटर्स की फ्यूचर की। ऑलरेडी मैं कई बार कह चुका हूँ कि टाटा मोटर्स कन्फर्म कर चुका है कि 2026 तक वो कम से कम 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पैसेंजर और कमर्शियल को मार्केट में उतारेगा। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, क्वांटिटी में इन बैटरी सेल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर वो उनको बिल्कुल अपने खरीदे हुए प्लांट में बनाते हैं या उस टेक्नोलॉजी को भारत लेकर आते हैं वहाँ बनाते हैं, तो ओवरऑल प्राइसिंग में काफ़ी कमी आएगी। तो अगर भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन को बढ़ाना है तो इन व्हीकल्स का अफोर्डेबल होना ज़रूरी है। तो इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट, अगर ये सेल्स का कॉस्टिंग डाउन होती है तो वो बहुत बड़ा पार्ट अदा करेगा। अब बढ़ते हैं सेकेंड अपडेट की तरफ। हम सब जानते हैं कि टाटा मोटर्स नेक्सन इलेक्ट्रिक एसयूवी का जो फेसलिफ्ट है उस पर काफ़ी स्पीड से काम कर रहा है। उसको कई बार टेस्टिंग के दौरान रोड्स पर देखा भी गया है और ये भी कंफर्म है कि लॉन्गर बैटरी पैक के साथ इस फेसलिफ्ट को लॉन्च किया जा सकता है। सब जानते हैं कि लॉन्गर रेंज लॉन्गर बैटरी पैक के साथ आएगा, लेकिन इससे प्राइस हम कह सकते हैं 1 से 2 लाख तक प्राइस बढ़ जाएगा। डिटेल्स निकल कर आई है, आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। बिगर बैटरी पैक में 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक कंपनी प्रोवाइड करेगी। करंटली 30.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, जिससे अगर मैं वैसे तो सर्टिफाइड की बात नहीं करते, हम ऑन रोड की बात करता हूँ, जो मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक एसयूवी, मुझे 200-225 तक ही रेंज मिल पाती है। लेकिन उस बड़े बैटरी पैक के साथ 40 किलोवाट आवर के साथ मैं कह सकता हूँ कि कंपनी जाए अगर 400 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है तो आपको 300-320 तक की ऑन रोड एक्चुअल रेंज मिलेगी। अलावा चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक आपको ऑप्शन मिल सकती है। मेजर चेंज नहीं रहेगा अगर फ्रंट की बात करूँ, इंटीरियर की बात करूँ, हाँ जो बैक साइड रियर है उस डिजाइनिंग में चेंज आ सकता है, स्पेशली जो लाइट्स हैं उसका डिजाइन चेंज किया जा सकता है। इस बड़े बैटरी पैक के साथ जो ओवरऑल वेट है गाड़ी का वो 100 kg तक बढ़ जाएगा। न्यू सेट ऑफ अलॉयज व्हील यहाँ कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। दोस्तों, एक मुझे यहाँ जो लग रहा है पॉइंट के अगर बिगर बैटरी पैक के साथ जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, एक बूट स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज होगी दोनों मॉडल्स के साथ, यानी कि दोनों बैटरी पैक अवेलेबल रहेंगे 30.2 और 40 किलोवाट आवर, और साइड बाय साइड दोनों को ही बेचा जाएगा। हम सब जानते हैं कि सबकी रिक्वायरमेंट नहीं होती ज़्यादा रेंज, किसी ने अगर ज़्यादा 90% लोकल गाड़ी चलती है तो उसके लिए सफिशिएंट रहेगा छोटा बैटरी पैक, अगर किसी को लॉन्ग रूट पर ज़्यादा निकलना है तो वो बड़ा बैटरी पैक एक्स्ट्रा कॉस्ट देकर बाय कर सकता है। तो ये था आज का अपडेट, आपने जरूर कमेंट में बताना कि आप कौन सा बैटरी पैक प्रेफर करोगे और क्यों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।